ऑस्कर में नाटू नाटू को नॉमिनेशन मिलने पर कीरा वानी ने कही दिल छू लेने वाली बात, गाने को बताया अपना बच्चा। तेलुगु फिल्म RRR पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में छाई हुई है। फिल्म अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब RRR ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड्स में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। ऑस्कर 2023 की नॉमिनेशन की मंगलवार को घोषणा की गई। इस साल भारत की तरफ से 4 फिल्में नॉमिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई थी। इनमें RRR, छेलो शो, ऑल द ब्रीद और द एलिफेंट विस्पर्स का नाम शामिल है। छेलो शो को छोड़कर बाकी सभी फिल्में नॉमिनेशन की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर 2022 में ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। ऑस्कर 2023 में नाटू नाटू की एंट्री से गदगद गाने के कंपोजर MM कीरावानी ने रिएक्ट किया है और सॉन्ग को अपना बच्चा बताया है। कीरावानी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऑस्कर को लेकर मेरी भावनाएं बहुत अच्छी हैं क्योंकि इसमें दुनिया भर के कलाकारों के सपने शामिल हैं, जो मजाक नहीं है। इस काम में बहुत मेहनत और विश्वास की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऑस्कर ऑस्कर है, इसलिए हम सब इसका बहुत सम्मान करते हैं और इसे महत्व देते हैं। और मुझे इस म्यूजिक कैटेगरी में साउथ एशिया से पहली बार नॉमिनेट होने पर बहुत गर्व है, मैं एक्साइटेड हूँ। गाने को अपना बच्चा बताते हुए कीरावानी ने आगे कहा, कल तक वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह था और अब मेरा बेटा जगह जगह जा रहा है और मेरा नाम रोशन कर रहा है। मैं इस वक्त किसी गौरवान्वित पिता की तरह हूँ। मैं इस ब्रेन चाइल्ड के लिए और उन सभी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने गाने को इतना बड़ा बनाने में मदद की। बता दें कि RRR पहले ही 2 बड़े अवार्ड्स जीतकर चर्चा का विषय बनी हुई है। इनमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड का नाम शामिल है।